खबर है लाहौर से। लाहौर एयरपोर्ट पर एएसएफ ने कराची जाने वाले मुसाफिर के सामान से 50 गोलियां बरामद कर ली। देपालपुर के रिहायशी मुसाफिर नईम अहमद को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एएसएफ ने यह कार्रवाई की है लाहौर एयरपोर्ट पर, जहां कराची जाने वाले मुसाफिर के सामान से 50 गोलियां बरामद कर ली गई है। जानते हैं नबील मलिक से। नबील मलिक, बताया गया इस मुसाफिर की शिनाख्त तो हो पाई, इससे मजीद क्या कुछ बरामद हुआ? जी बिल्कुल इलामा इकबाल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ ने कार्रवाई करते हुए कराची जाने वाले मुसाफिर के सामान से 30 बोर पिस्टल की 50 गोलियां बरामद कर ली हैं। एएसएफ ज़राए के मुताबिक ओकाडा के इलाके दीपालपुर से ताल्लुक रखने वाला मुसाफिर नईम अहमद जब कराची रवानगी के लिए पहुंचा तो उसके सामान की तलाशी ली गई, जिसके बाद जो है इसके बैग में से जो है वो 30 बोर पिस्टल की 50 गोलियां बरामद की गई, जिसके बाद फौरी तौर पर इसको हिरासत में लेकर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। और अब इस मुसाफिर से जो है वो तफ्तीश का सिलसिला जारी है कि आया कि ये 50 गोलियां अपने सामान में लेकर लाहौर से कराची किस मकसद के लिए सफर कर रहा था, और इस हवाले से जो है वो इसको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और तफ्तीश का सिलसिला जो है उसको भी आगाज कर दिया गया।